शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद होंगे और इस दौरान यहां पर एक शैक्षिक अधिवेशन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। बाड़ी और बिजौली में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का आईजी और एसपी ने निरीक्षण किया। इसी बीच बड़ी जानकारी है, सीएम भजनलाल शर्मा का धौलपुर का दौरा। राजस्थान शिक्षक संघ के कार्यक्रम में शरीक होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। बाड़ी और बिजौली में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम का धौलपुर का दौरा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी यहां पर इस शैक्षिक अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। शैक्षिक अधिवेशन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसी बीच खबर गृह मंत्रालय में बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक को लेकर के है। यह बैठक फिलहाल चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा बचाव राहत को लेकर के भी बैठक चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक लगातार जारी है, चर्चा की जा रही है। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही एनडीएमए और एनडीआरएफ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हैं और देश के बाकी जगहों पर भी कैसे आखिरकार इसे निपटा जाए, इसे लेकर के विस्तृत तौर पर अधिकारियों के मौजूदगी में चर्चा लगातार जारी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ट्रेन से गिरने से एक महिला की मौत हुई है। देईखेड़ा थाना इलाके में ट्रेन से गिरने से एक महिला यात्री की मौत होने की खबर मिल रही है। इस घटना की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची है। अब फिलहाल घटना को लेकर जांच की जा रही है। शव की हालांकि शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और इसके चलते इस शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर लबान स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ट्रेन से गिरकर के एक महिला की मौत हो गई और जैसे ही जानकारी मिली जीआरपी मौके पर पहुंची है। घटना को लेकर के जांच की जा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि यह महिला जिसकी मौत हुई है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी पहचान की कोशिश में लगातार जीआरपी के जवान जुटे हुए हैं। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पर गौ तस्करी के खिलाफ गोपुत्र सेना की तरफ से